सो हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो अपन एक ऐसे प्रो टिप के बारे में बात करेंगे जो शायद आपके कोडिंग की जर्नी को और ज़्यादा आसान बना देगा। और अगर आप बिगिनर हैं, अभी अभी आपने कोडिंग स्टार्ट किया है ना, तो ये शायद आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो वो कौन सा ऐसा टिप है, और ये चीज़ ना मैंने अपने लिए एक्सपीरियंस किया है, जो भी चीज़ें मैंने सीखी है स्टार्टिंग में, मेरे एक सीनियर ने मुझे बताया था कि ऐसा कर, और उसमें दो तीन चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था। वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और वो क्या चीज़, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि कोडिंग के फील्ड में जब अपन करियर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना पड़ता है, और वो टोटली हम पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चूज करनी चाहिए। और साथ ही साथ बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी हम चूज करते हैं, एदर हमें इस फील्ड में जाना हो, उस फील्ड में जाना हो, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस क्या सीखना हो। और उन सब को सीखने से पहले हम एक चीज को समझते हैं, और वो है हमारा लॉजिक। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक्सपर्ट तभी बनते हैं जब हमारा लॉजिकल स्किल्स अच्छा होता है, और लॉजिकल स्किल्स इज अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल स्किल्स। मैथमेटिकल स्किल्स मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। जरूरी ये नहीं है कि अगर आप मैथ में कमजोर हैं, आपका मैथ बहुत अच्छा नहीं है, तो आप कोडिंग नहीं सीख सकते। लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी है जो चीज़ आपको अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो शायद आपकी कोडिंग की जर्नी अच्छी रहेगी। लेट्स डिस्कस वो चीज़ है क्या। सबसे पहले जब आप कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हो तो बेसिक फंडामेंटल चीज को कभी भी इग्नोर ना करें, जो भी फंडामेंटल चीज आप सीखते हो, क्योंकि वो फंडामेंटल चीज होती है ना, वो कोडिंग में सब चीज, सब सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए सेम होती है। पाइथन सीखो, जावा सीखो, सी, सी प्लस प्लस, कोटलिन, कुछ ऐसे फंडामेंटल चीजें हैं जो सबके लिए सेम है। आपको एक्सप्लोर करना है, गूगल करिए, आपको पता चलेगा, या फिर और भी ज्यादा ऐसे वीडियोज पड़े हुए हैं जहां से आप देख सकते हो कुछ चीजें ऐसी जो सबके लिए सेम है, वो पहले सीखिए। दूसरे नंबर पर मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टिप देने वाला हूं। जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं ना, मैथ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, फॉर्मूला, उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। कैलकुलेटर से हर वो काम जो आप कर सकते हो उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने की कोशिश करिए, उसको अलग अलग वैरायटी का प्रोग्राम बनाइए। सपोज दैट अगर आपने देखा होगा कैलकुलेटर हमारा परसेंटेज निकालता है, परसेंटेज निकालने का एक सर्टेन फॉर्मूला होता है जिसको यूज करके हम रियल लाइफ में मैथ में वो परसेंटेज फाइंड किया करते थे, चाहे आप 5, 4, 3, 6 इस सब क्लासेस में आपने देखा होगा कि हमारे पास वी हैड अ फॉर्मूला, जो हम उस फॉर्मूला को यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। वर्क, टाइम, डिस्टेंस, कोन और सर्कल, इन सब के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला हुआ करता था जिसको हम याद करते थे। और अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पास यू हैव गूगल, यू कैन गूगल इट, और उसका फॉर्मूला का लिस्टिंग आपके पास होगा, आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, और उसके लिए आप एक प्रोग्राम रेडी कर सकते हो। लिसन, एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि अगर आप कैलकुलेटर में कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं प्रोग्राम बना हुआ है, उस कैलकुलेटर में फिट किया हुआ है। इट डजंट मीन कि आप वो नहीं सोचोगे, आप वही चीज नहीं कर रहे होंगे, आपको यू हैव टू रिपीट। कैसे रिपीट करोगे, आपको पता है कि वो चीज कैसे सॉल्व होती है, कैलकुलेटर कैसे आपका वैल्यू लेके सॉल्व कर रहा होगा, उसके लिए आप एक प्रोग्राम बनाइए। प्रोग्राम का नाम दीजिए add.py, जिसमें आप एडिशन का सर्टेन तरीके से आप बना रहे होंगे, subtraction.py, और आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स जो कोडिंग के फील्ड में नए हैं उसके लिए, जो नूब नहीं है उसका तो क्या ही कहना, जो कॉम्पिटेटिव कर रहे हैं या फिर जो अच्छे लेवल पर हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट जूनियर्स जो अभी अभी अपना कदम रखे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन, पावर, ये वो, साइन थीटा, कॉस थीटा, सारी चीज़ें, अच्छा फॉर्मूला गूगल कर लीजिए, आपको सारा चीज़ पता चलेगा, टाइम, डिस्टेंस, ये वो, एक साथ सारी चीज़ को मर्ज कर दीजिए। यूजर से पूछिए कि किसका फॉर्मूला आपको निकालना हो, और उसके अनुसार पैरामीटर लीजिए और उसका एक फॉर्मूला बना दीजिए। तो ये काफ़ी आपके कोडिंग की जर्नी को चार चांद लगा देगा, और स्टार्टिंग से ही आपको कोडिंग अच्छा लगने लगेगा। कोडिंग से मैं समझते हैं कि सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, कि अगर एक बार आपको अच्छा लग गया ना, तभी आप उसमें प्रो बन सकते हो, अदरवाइज ये आपको बोर लगेगा, ये आपको मात्र एक आगे बढ़ने का या फिर उस फील्ड में सक्सेस होने का जरिया लगेगा। और इसको आप ओनली वन सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, ओनली वन चॉइस बनाना चाहते हैं, तो उसमें स्टार्ट में मैथ के कैलकुलेशन से स्टार्ट करिए, क्योंकि डेटा साइंस इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो किसी भी चीज़ को मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करती है।
तो जब आपको मैथ आता है तो उसको आप रियल लाइफ में खुद का फॉर्मूला क्यों नहीं बना सकते? जब आप पहली बार किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपका प्रोग्राम बहुत लंबा होगा, एंड दैट्स हाउ यू डिवाइड द कोड, यू डिवाइड द ब्लॉक, एंड दैट टाइम आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो प्रोग्रामिंग का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट, और वो है टाइम कम्प्लेक्सिटी। एट दैट मोमेंट आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी का ख्याल आता है कि मैं इसी चीज़ के लिए 20 लाइन का कोड लिखा हूँ, क्या मैं इसको 5 लाइन के कोड में कर सकता हूँ क्या? और उसके लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लाइब्रेरीज हैं जिसको आप कर सकते हो, अपना लॉजिक लगा सकते हो। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट लॉजिकल स्किल्स, कितना ज़्यादा आप लॉजिक लगा सकते हो उतना ज़्यादा आपका कम लाइन में या कम मेमोरी लेगा और टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ही लो होगा, जो आपके कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए बेस्ट होने वाला। तो इस मैथमेटिकल वाला ना अपने लाइफ में अप्लाई करिए। कोडिंग का जर्नी जब स्टार्ट हुआ है, जब फ्री टाइम मिले फोन में करिए, फोन में अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, लैपटॉप में कर रहे हो, तो जब भी टाइम मिले ऐसे बना दीजिए 2-4 फाइल्स और मन में कुछ सोच लीजिए कि ये फॉर्मूला का मुझे प्रोग्राम बनाना है, जस्ट सॉल्व इट। ये आपके लॉजिकल स्किल्स को बिल्ड करेगा, मैथमेटिकल स्किल्स को बिल्ड करेगा और काफ़ी ज़्यादा एनालिटिक्स आपके प्रोग्रामिंग में हाई हो जाएगा। तो यार आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।